हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो कैसे आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडीज? तो आज की वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट चीज जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, छोटी सी वीडियो है। तो वो स्टूडेंट्स जो कि वन डे एग्जाम्स देते हैं उनके लिए आज की वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। हम किसी भी सब्जेक्ट को कवर करते हैं तो हमारी सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि उस सब्जेक्ट को पूरी तरह अच्छे से कवर करने के लिए हमारे पास एक जगह उसका पूरा मैटर जो है होना चाहिए, उसका एक पूरा निचोड़ होना चाहिए, ताकि हमें अलग अलग जगह से जो है कोई भी टॉपिक उस सब्जेक्ट का ढूंढना ना पड़े। उनमें से ऐसा ही एक सब्जेक्ट है आपका एनवायरमेंट या पर्यावरण, जिसे हम अलग से बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। इसे हम साइंस का ही एक पार्ट की तरह मान लेते हैं या फिर ज्योग्राफी के इसके पार्ट की तरह मान लेते हैं। इसका कुछ भाग हम ज्योग्राफी के अंडर कवर करते हैं तो कुछ हम साइंस के अंडर कवर करते हैं। तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी यानी कि पर्यावरण एंड पारिस्थितिकी, जिसके बारे में आज की वीडियो है, यहाँ पर इसका एक चार्ट भी लगा हुआ है जो कि हिंदी में है, और ये मेरे पास इसका इंग्लिश मीडियम में भी चार्ट है। तो ये आपके दोनों ही मीडियम के लिए ये जो इम्पोर्टेंट है आज की जो वीडियो है। तो मैं बस ये कहना चाहूंगी कि पर्यावरण वन डे एग्जाम्स के लिए जो आपका ये सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको अलग अलग बुक्स जो है रेफर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एनवायरमेंट में जो चीजें पूछी जाती है आपके वन डे एग्जाम्स में, बहुत ही सिलेक्टेड चीजें पूछी जाती है, बहुत छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है, ऑब्जेक्टिव टाइप। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि कोई भी जो नेशनल पार्क्स है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ है और किस चीज के लिए फेमस है। तो इंडिया में इतने सारे नेशनल पार्क्स हैं, इसको आप अलग अलग जगह अगर आप सर्च करते हैं एक बुक में भी अगर आप देखेंगे तो बुक भी आपकी अपडेटेड होनी चाहिए, क्योंकि हर साल जो है कई चीजें जो है वो चेंज हो जाती हैं। तो ये जो चार्ट आपके सामने लगा हुआ है ये बिल्कुल अपडेटेड चार्ट है। अभी तक जितने राष्ट्रीय उद्यान, जितने जीव जो कि संकटग्रस्त हो चुके हैं, आपके एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उन सब के बारे में इस चार्ट में जो है अपडेटेड नॉलेज है। जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन आया कि जो भीतरकनिका जो आपका अभ्यारण्य है, आपका जो है वो कहाँ है, किस चीज के लिए फेमस है, या फिर जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है वो कहाँ है, तो कहाँ है आपके असम के जोरहट में है, किसके लिए फेमस है, तो ये आपके जो एक सिंह वाला जो गड्ढा है उस चीज के लिए फेमस है। तो ये जितने भी हमारे देश में नेशनल पार्क है कहाँ है और किस किस की चीज के लिए फेमस है, कौन से जो जीव है, एनिमल है या फिर जो बर्ड्स है किसके लिए फेमस है, तो उसके बाद में एक इतने से चार्ट में इसके बारे में नॉलेज दे दी गई है आपको इन्फॉर्मेशन। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि जितने भी जो आपके ग्रासलैंड्स हैं पूरे वर्ल्ड में, जैसे कि आपका प्रेरी घास का मैदान है, प्रेरी जो आपका ग्रासलैंड है वो कौन सी कंट्री के ग्रासलैंड को कहा जाता है, या फिर जो आपका डाउन्स ग्रासलैंड है, वेल्ड ग्रासलैंड है, वेल्ड घास के मैदान है, वो कौन से देश के घास के मैदान को कहा जाता है। तो यहाँ पर पूरा आपको एक छोटा सा चार्ट दिया गया है जिसके बारे में पूरे वर्ल्ड के जो ग्रासलैंड आपको बता दिए गए हैं। इसी तरह जो आपके एनिमल्स हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या फिर जो संकटग्रस्त होने वाले हैं, नियर एंडेंजर्ड है, जिसे IUCN की रेड कैटेगरी जो लिस्ट है उसमें अभी तक शामिल किया जा चुका है, उसकी यहाँ पर आपकी पूरी अपडेटेड जो है लिस्ट दे दी गई। तो कहीं अगर आपको वन डे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके जो कमिंग एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो आपको उसके लिए किसी भी बुक्स को रेफर करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली फॉर वन डे एग्जाम्स। आप इस अगर चार्ट को पूरी तरह अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप अलग अलग जाकर एनवायरमेंट के किसी टॉपिक को सर्च करें। तो ये चार्ट अगर आप लेना चाहें तो इसका जो लिंक है आप मैं नीचे दे दूंगी, आप उस लिंक से जाकर ये चार्ट खरीद सकते हैं। ये चार्ट इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ही अवेलेबल है। ये जो चार्ट है आपका प्रमेश जैन के द्वारा, ये जो चार्ट है इनके द्वारा लॉन्च किए गए हैं, इनके द्वारा बनाए गए हैं। ये जो चार्ट है आप इसके लिए इनकी जो प्रमेश जैन की वेबसाइट जो है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी एक एप्लीकेशन है, उनको उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं नीचे दे सकती हूँ, वहां से जाकर आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं और इस चार्ट को खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हम आने वाले दिनों में क्या करेंगे कि एनवायरमेंट सब्जेक्ट के लिए हम कवर करेंगे सिर्फ इस चार्ट को, इस चार्ट में जितनी भी सिलेक्टेड चीजें दी गई है उन सबको हम वीडियोज के माध्यम से आने वाली वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। तो चलिए
ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।